उधर राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि कबीर जयंती समारोह में सीएम ने तीर्थस्थल की यात्रा मुफ्त करवाने की घोषणा की थी, जिसे लागू करने पर चर्चा की गई है और जल्द ही सरकार इस फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को तीनों तीर्थस्थलों पर यात्रा करवाएगी। वहीं SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति घोटाले पर राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सीएम के आदेश पर मामला विजिलेंस जांच के लिए भेजा गया है, जो लोग इसमें संलिप्त थे उन पर कार्रवाई की गई है। दुष्यंत चौटाला के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए बेदी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ना तो MLA है ना MP है, वो अपराध के मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग अपराध के आरोप लगा रहे हैं उनकी भी सरकार जांच कर रही है और आज सभी के सामने है कि उनके ही दादा और पिता दोनों जेल में हैं। माने मुख्यमंत्री जी ने जींद के अंदर संशिरोमणि कबीर जयंती समारोह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है कि जितने भी संत महापुरुष हैं, हरियाणा सरकार वहां की यात्रा करने वाले अनुजाति वर्ग के जितने भी लोग हैं, यदि वहां पर यात्रा करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे, तो तीनों धामों की कोई अनुजाति वर्ग का व्यक्ति यात्रा करना चाहता है तो उसकी बस का ना उसकी गाड़ी का ट्रेन का नियर अबाउट स्टेशन से लेकर वहां तक जिस स्टेशन जो सबसे नजदीक स्टेशन वहां पर होगा। पिछले दिनों एक मसला संज्ञान में आया था और उसके लिए माने मुख्यमंत्री जी ने स्टेट विजिलेंस को उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और कुछ लोग जो उसमें स्लिप पाए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था और आगामी जो कार्रवाई है वो जांच की चल पड़ी है और जो लोग दोषी होंगे उन लोगों को बख्शाने जाएगा। दुष्यंत ना तो किसी सदन का नेता है, ना किसी का मेंबर है, ना वो लोकसभा का ना विधानसभा का। वैसे ही गाल बजाने से कुछ होता है क्या? कौन सा डाटा दुष्यंत के पास? इस दिन डाटा वो लेके आएगा, देख लेंगे हम। बिना वजह कोई आरोप लगाकर मुख्यमंत्री जी ने जींद की ऐतिहासिक धरती पर उस मैदान से कहा कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे, और नहीं छोड़ते तो उनसे अपराध छुटाना मुझे आता है। इससे बड़ा मुख्यमंत्री जी को वादा नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से महिला की सुरक्षा के लिए हमने 22 के 22 जिलों में थाने बनाने का काम किया, पुलिस बल की संख्या लगातार हम बढ़ा रहे हैं। जो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं उन लोगों ने बड़े लंबे समय तक राज किया, कभी सिपाहियों की भर्ती तक नहीं की। कांग्रेस के राज के अंदर भी हाल था, मनोहर सरकार में अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं है और उन लोगों के राज के अंदर हमेशा राजनीतिक लोग अपराध किया करते थे और जिसकी सजा आप लोगों के सामने है। दादा भी जेल में है, बाप भी जेल में है।